हेलो, गोवा शुक्ला स्पीकिंग। अबे जेलर शुक्ला, टेलर शुक्ला नहीं, कौन बोला बे? अरे जेल मंत्री के पीए, सॉरी सर, सॉरी सर, ऑर्डर सर। जी सर, जेल मंत्री जेल आ रहे हैं, दौरा करने आ रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, जेल मंत्री को जेल हो गया, फिर से बलात्कार कर दिए क्या? गलती से तो नहीं किए ना? ओके ओके ओके, मर्डर तो नहीं किए? ओके ओके सर, आप भेज दीजिए सर, पूरा प्रबंध हो जाएगा। जी 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 सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, वेलकम टू सेल सर। सर आपके लिए टीवी, फ्रिज, टेप रिकॉर्डर और बाकी सारी चीजों का बंदोबस्त हो गया है। सर आप यहाँ से चले जाते हैं तो हम आपको बड़ा मिस करते हैं। सर आपके घर के खाने की बहुत याद आती है। साहब जनता की कृपा है। सर ये कुछ कैदियों की लिस्ट है जिनके नाम पढ़े जाने हैं। इसमें जो कुछ लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो जेल से भागना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम के लिए मतलब एक दो हफ्ते के लिए बाहर जाना चाहते हैं। देखो शुक्ला, इन सब का अच्छी तरह ख्याल रखना। अरे सर आपने बोल दिया, बस अब आप आराम कीजिए। अगर मर्डर वर्डर का मूड करे ना तो बोल दीजिएगा, प्रबंध कर देंगे। साहब जनता की कृपा है। अरे भाई जो मिलना चाहते हैं मिलवा दो। ये चार भागना चाहते हैं जेल से। डिपॉजिट जमा किए? हाँ सर, 5-5 लाख आ गया है। तो भगाओ, अब क्या कुत्ता छोड़े उनके पीछे तब भागेंगे? ये शॉर्ट टर्म वाले नंबर 13 का क्या करें, वो कुछ दिन के लिए भागना चाहता है, भगाओ। लेकिन सर एक समस्या है, जो भाग जाएंगे उनको कहा जाएगा कि भाग गए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। यही तो, कल को अगर इंस्पेक्शन हो गया तो? मंत्री जी तो यही है, इंस्पेक्शन कैसे होगा? लेकिन सेंटर से इंक्वायरी आ गई तो? हाँ ये मंत्री नेता तो बच जाएंगे, हमारी तो नौकरी गई। कुछ ऐसा करो कि गिनती कम ना हो। सर जो भाग रहा है उनकी जगह किसी और को बंद कर देते हैं। किसे? अरे भाटिया, इतने विजिटर आते हैं, पकड़ के कर दो ना 2-4 दिन के लिए अंदर। चलो ना भाई जल्दी। नंबर तो आंदे। अरे भाई साहब जल्दी चलो ना यार। लाइन जाओ, लाइन में ये लाइन है। हाँ मैं लाइन में खड़ा हूँ। ये बीच में कहाँ घुस रहे हो, लाइन में हो पीछे? नहीं वो मैं जरा सा इधर गया तो ये। चलो 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 इधर आओ। देखिए मैं बड़ी देर से खड़ा हूँ भाई साहब। अरे इधर आओ। हाँ ये बात, ये पहले में क्या? आम है। आम? आम ऐसे कब से होने लग गए? नहीं नहीं आम नहीं है, ये तो केला है। हाँ पता है। पता है तो फिर झूठ क्यों बोला? कहाँ से लिए? बाहर से। कितने के? 15 रुपए दर्जन। 15 रुपए दर्जन? अरे ऐसा क्या है इस केले के अंदर? लेकिन एक ही ठीक होगा, बाकी अच्छे नहीं होंगे। अरे नहीं नहीं सारे के सारे अच्छे हैं। हो नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूँ ना हैं। आपने चेक किए? हाँ चेक करके लाया हूँ बाहर से। एक काम करते हैं, एक बार दोबारा चेक करते हैं। कैसे? ये ऐसे चेक कर लेते हैं ना। वाकई में बहुत अच्छे हैं भाई, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। एक और चेक करूं? नहीं नहीं बस हो गया, बहुत और चेक नहीं। अरे तुम्हारा नंबर भी आ गया, जाओ। हाँ जी मुसद्दीलाल यादव। किसे मिलना है? जी इमरती यादव। क्या लगते हो भाई? किस जुर्म में? ये कत्ल के जुर्म में है। सजा मिल गई है या केस चालू है? केस चालू। पहले कभी आए हो? जी नहीं। लाओ। क्या? एप्लीकेशन। किस बात की? अरे अंदर मिलना है तो एप्लीकेशन लगती है ना। लेकिन एप्लीकेशन तो मैं नहीं लेके आया। तो लिख के लाओ ना। मुझे तो मैडम एप्लीकेशन लिखना आता नहीं है। ओहो, कुछ भी लिख के लाओ, यहाँ पढ़ थोड़ी कोई रहा है, पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। बस जाओ 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 जल्दी। जी बस अभी आता। हाँ नेक्स्ट। हवालदार साहब, हवालदार साहब। हाँ भाई मिला है? नहीं उन्होंने एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है, तो बताइए क्या लिखूं? आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है? हाँ जब मैं स्कूल जाया करता था तो छुट्टी वुट्टी के लिए लिख दिया करता था। बस वही लिख दो। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल को जेलर बना दो। रिस्पेक्टेड जेलर, आई हैव लूज मोशन, आई हैव पेन स्टमक, आई कांट कम टू स्कूल। हाँ अब इसको कर दो, आई वॉन्ट टू मीट इमरती। मगर मैं लूज मोशन की वजह से इमरती से क्यों मिलना चाहूंगा? ओ यार तुम सवाल बहुत करते हो यार, लिखो ना चुपचाप। अच्छा, आई वॉन्ट टू मीट इमरती, काइंडली ग्रांट मी
लीव फॉर 3 days फ्रॉम स्कूल। हाँ, अब लीव को मीट कर दो और स्कूल को जेल कर दो। काइंडली ग्रांट मी मीट फॉर 3 days फ्रॉम जेल। इन जेल। इन जेल। हाँ। योर्स सिंसियरली ऑबिडियंटली। ऑबिडियंटली योर्स ऑबिडियंटली मुसद्दीलाल यादव। या मुसद्दीलाल यादव। ओके नेक्स्ट। मैं आई कम इन डिप्टी साहब। आउट आउट बाहर जा। क्यों सर? अरे यहाँ लिखा है, दिखता नहीं है। कृपया कम से कम बोले, बाहर निकल। नेक्स्ट। नमस्ते, मैं कम इन डिप्टी साहब जी। बाहर निकल चल साले जी। बाहर निकल, निकल दो यादव। ये भाई साहब अंदर इंटरव्यू चल रहा है या मार रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कहता है कम बोलो। मैंने इतना ही पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मुझे बाहर निकाला। अब आप बताइए इससे कम आदमी क्या बोल सकता है। बिलाल यादव, ये कहीं मेरा नाम तो नहीं बुलाया गया? आप पहले ये बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही मुसद्दीलाल यादव है। तो जाइए, आप ही को बुलाया, जाइए। अच्छा। घुसू? घुस। बैठू? बैठ। बोलू? पूछो। पूछ। नाम? MLY। कहां से? भिलाई। करता क्या है? सिलाई। क्या दिखा? कौन? भाई। घर में कौन कौन? माई और भौजाई। ओके वेरी गुड। अब जो पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देना। ओके पहले जेल गए हो? हाँ ना। हाँ ना। ओ जाते जाते बचे हो? हाँ। ओके। नशा करते हो? ना। लड़की छेड़ते हो? ना। चोरी करते हो? ना। तो जेल में क्या करने आए हो भाई? थोड़ा ज्यादा बोलूं? बोल। जी मेरा भाई इमरती यहाँ जेल में है, उससे बहुत दिनों से मिले नहीं थे। अम्मा ने उसके लिए खाना भेजा है, लड्डू भेजे हैं और फल भेजा है और पैसे भेजे। बस ज्यादा नहीं बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। लास्ट में क्या देने को बोला था? खाना देने के लिए। उसके बाद? उसके बाद लड्डू देने के लिए। उसके बाद फल देने के लिए। अरे पैसे देने को कब बोला था यार? तो लास्ट में बोला था। हाँ, तो जो लास्ट में बोला था वो हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। जी पर क्या है, यहाँ पर जेल में पैसे देना अलाउड नहीं है। ओ अच्छा, तो ठीक है, नहीं देता। नहीं है, ऐसे कैसे नहीं दोगे भाई? क्या है, अब लाए हो तो वापस तो नहीं ले जाओगे ना? दे दो मुझे, दे दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये 500 रुपए। ओके, अब आपका संदेश इमरती तक पहुंच जाएगा और फिर उधर से हाँ आई तो भाटी आकर ले जाएगा। जी। इधर खड़ा रह, सीधा पैंट उतार, उतार के खड़ा रह, तू शर्ट उतार के खड़ा रह, उधर जा। ए, 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 इधर आ। कहाँ जा रहा? पीछे पीछे। नहीं मैं वो तो मैं... आवाज बंद, आवाज बंद। मैं तुम सब लोगों को जानता हूँ। अच्छा, हम लोग मिले हैं पहले भिलाई में। 10 साल से जेल में हुए। जब मैं 18 साल का था ना, तब मैंने अपने बाप का कत्ल किया। 19 साल का था भाई। 20 साल में लुगाई, 21 में भौजाई, 22 में तराई, 23 में। भाई साहब, भाई साहब, आपके घर पे आजकल कौन कौन है? चुप, मुझसे गुंडाई मत करना। बहुत बड़ा गुंडा हूं मैं, तुम सब लोगों को जानता हूं मैं। यहाँ क्यों आए हो? है नशीला माल सप्लाई करने, इंफॉर्मेशन लेने? कुछ नहीं ले जाने दूंगा मैं यहाँ से। चल, ये कुर्ता उतार। जी उतार, नहीं तो फाड़ूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा कुर्ता। ये पैंट उतार। नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। बदमाश सुना नहीं देंगे, उतार। मैं नहीं उतारूंगा। हवलदार साहब, हवलदार साहब। अरे क्या हुआ मुसद्दीलाल यादव? अरे देखिए, ये मेरी पतलून उतारना चाह रहे हैं। आप इनको बताइए कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, तो मैं गुंडा हूँ। आपने तो अभी कहा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। वो मैंने कहा था, तूने क्यों कहा? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पैंट उतार। क्या हुआ, क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो? सर ये पैंट नहीं उतार रहा। अरे पर तुम इसकी पैंट उतारवाना क्यों चाहते हो भाई? सर तलाशी लेने के लिए। हाँ तो उतार दो ना भाई। मैं नहीं उतारूंगा पतलून। देखो मान जाओ वरना दो बातें होंगी, या तो पांडे जी तुम्हें छोड़ देगा या तो नहीं छोड़ेगा। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं छोड़ा तो दो बातें होंगी, या तो ये जबरदस्ती पैंट उतारेगा या तो तुम अपने आप उतारोगे। अपने आप उतारा तो ठीक, जबरदस्ती उतारा तो दो बातें होंगी, या तो ये प्यार से उतारेगा या तो पैंट फाड़ के उतारेगा। प्यार से तो ये अपनी पैंट भी नहीं उतारता। अच्छा हाँ, और फाड़ के उतारा तो दो बातें होंगी, या तो ये तुम्हें पूरा नंगा करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और किया तो शेम शेम। अरे यार तू पैंट फड़वा के नंगा होना चाहते हो, पैंट खुद क्यों नहीं उतार देते? पैंट उतारूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, शेम शेम हो जाएगी। क्या? हाँ मैं नीचे
अंडरवेयर नहीं पहने हुए हूँ, आप लोग तो समझते ही नहीं ना। छी, पांडे जी अंदर जाके पैंट उतारो, सबके सामने शर्मा जाएगा। आ जा। मैं नहीं उतारता पैंट। आता है या? कहाँ जाना? उधर। अरे मुसद्दी लाल जी, चेकिंग हो गई आपकी? हो गई। अरे तो इतने उदास क्यों दिख रहे हैं आप? भाई साहब आज तक जिंदगी में मैं कभी भी किसी के सामने नंगा नहीं हुआ हूँ, एक एक कपड़ा उतारा है उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई क्या? नहीं, कुंवारा हूँ। परेशान मत होइए, मैं मिलवाऊंगा आपको आपके भाई से। अरे पांडे जी, उषा जी, जी ले जाइए पर्ची। देखा इमरती यादव, चलो आओ। लाओ। क्या? 100 रुपए। क्यों? इमरती को बुलाने का। लो ये लो। एक मिनट, अभी बुलाते हैं। इमरती, ओ इमरती, यहाँ आवा। देखो कौन आया है, तुम्हारा भाई, इनसे मिलो। ये कौन है? तो इमरती यादव ही है ना, तुम मिलो, हम आते हैं। अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? अरे हमें औरों को भी तो मिलवाना है। देखिए माफ कीजिए, मैं आपका भाई नहीं हूँ। वो तो हमको अभी मालूम है, चलो निकालो 100 रुपया। 100 रुपया किस बात का? जानता हूँ अभी न्यूज मीटिंग से चले आ रहे हैं, अब तो फालतू में हमारा टाइम बर्बाद किया, ऊपर से पूछता काहे को। चुपचाप जल्दी से 100 रुपया निकाल, नहीं तो चिल्ला के सबको बुला लूंगी। मगर आप चिल्लाएंगी क्यों? वो इसलिए कि हम उनसे कहूंगी कि तू अकेली इमरती को देख के उसको खाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा है ही नहीं, इमरती तो मेरी लाइफ में कभी खाई नहीं। चलो चलो चलो, मुलाकात का समय खत्म। लेकिन मुलाकात हुई कहाँ मैडम? हो तो गई ना। नहीं नहीं, पर मुझे इनसे नहीं अपने भाई से मिलना है। मैडम सुनिए प्लीज, जो भी सुनाना है जेलर साहब को सुनाना। चलो टाइम हो गया, चलो चलो चलो। जेलर साहब कहाँ मिलेंगे? यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी मैं मुसद्दीलाल यादव। यस जी, मैं भिलाई से आया। पैदल आयो क्या? नहीं ट्रेन से आया। तो ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या परेशानी क्या है? जी मुझे मेरे भाई से मिलना है और इन्होंने मुझे किसी औरत से मिलवा दिया। अबे पांडे गुरु, हमें तो कभी औरत से नहीं मिलवाया, क्यों बात किया? आप भी मिल लीजिए इमरती यादव से। अरे इमरती गई तेल बेचने, वो मुन्नीमा का क्या हुआ बे? वो क्या सर, वो नेताजी के साथ बिजी है। अरे यार नेता वेता ना भाई साहब, मर्डर करके रेप करके यहाँ बैठे रहते। आप क्यों आए हैं यहाँ, क्या काम है आपको? जी मुझे मेरे भाई से मिलना है। तो जाइए पांडे जी, मिलवा दीजिए ना इनको। अभी तो मिल गया है। अरे बताया तो है, जिसे मिलवाया वो औरत है और मेरा भाई आदमी है। चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, नहीं मार मार का औरत बना देंगे तुमको। नहीं जी वो फिर चिल्लाता है, बैठ बैठ नीचे मुर्गा बन। नहीं जी माफ कर दीजिए जेलर साहब। चिल्लाया मत करो मेरे सामने, अरे इतनी मुश्किल से जेलर बने हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो, इज्जत दिया करो। धीरे से बताओ क्या प्रॉब्लम है? जी मुझे मेरे भाई से मिलना। अबे इतने धीरे से बोलेगा तो कौन सुनेगा, थोड़ा तेज बोल। जी मुझे मेरे तेज बोलता है मुर्गा बनवा देगा अभी तुमको। मैं चाहूं जो भाई से नहीं मिलना। नहीं मुझे नहीं मिलना। तो फिर आए काहे के लिए थे? ऐसे ही। अरे वो ऐसे ही जेल में तफरी कर रहे हैं, किसी साजिश के तहत आया होगा। पांडे जी गिरफ्तार कीजिए इसको। देखिए 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 जेलर साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं अपने भाई से ही मिलने आया था। अरे तो बोलता क्यों नहीं, बार बार झूठ क्यों बोलता है तू? मिला भाई से? हाँ मैं मिल लिया, मैं जाऊँ। फिर झूठ, भाई से कहाँ मिला, वो तो औरत थी। अरे कमाल है भाई, औरत कहता तो आदमी बोलते हो, आदमी कहता हो तो औरत बोलते हो, अब आप ही बताओ मैं क्या बोलूं। रो मत, रो मत, हम लोग यही मजाक कर रहे थे, हम लोग इंटरटेन करते ना अपने आप को जेल में ऐसे। रो मत, बोले भाई से मिलना है। जी पांडे जी मिलवा दो भाई से। भाई सॉरी जेलर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक दिन में एक ही मीटिंग होती है और इनकी हो चुकी है। लेकिन वो तो गलत हुई है ना सर। अरे लेकिन मीटिंग तो हुई है ना, अब और नहीं हो सकती। हाँ भाई साहब, हम लोग कायदा कानून तो नहीं तोड़ सकते, अब मीटिंग आपकी कल ही होगी। कल मतलब कल फिर से आना पड़ेगा, फिर से लाइन में लगना पड़ेगा, फिर से तलाशी होगी मेरी, फिर से मुझे नंगा करेंगे। नहीं मैं कल नहीं आऊंगा। अब तो अपने भाई से मिलके ही जाना पड़ेगा, वरना ये बाहर जाके बदनामी करेगा कि जेल में भाई से नहीं मिलने दिया। नहीं पर मैं तुम्हारा नंगा नहीं होना चाहता ना। अगर एक बार बाहर चले गए तो अंदर आने के लिए नंगा तो होना पड़ेगा। सपोज इफ ये बाहर ना जाए तो? जी अगर हम उसको लॉकअप भाड़े पर दे देते तो? लॉकअप भाड़े पे? हाँ भाई साहब, हम लोग लॉकअप जो है भाड़े पे देते हैं, 100 रुपए लेते हैं ऑर्डिनरी वाले का, 500 रुपए वाला डिलक्स है और एसी डिलक्स का 1000 रुपए। देखिए सर एसी डिलक्स वाले तो पांचों भरे हुए हैं। क्यों, पांचों में मंत्री आ गए क्या? तीन में मंत्री और दो में भाई। अच्छा, इनको छोड़ो, बोलो कौन सा थे?
जी वो अरे बोल नहीं तो फिर नंगा होना पड़ेगा। नहीं, ऑर्डिनरी वाला दे दीजिए, राजी तो काटनी है मैंने। ओके पांडे जी, इनको तेरे नंबर में ले आके सेट कर दो। ओ जो आज रात को खाली होने वाला है? हाँ टेम्पररी वाला। ठीक है सर, गिनती भी पूरी हो जाएगी। चल भाई। ठीक है, थैंक यू जेलर साहब। अरे थैंक यू, उनको क्या भाड़ में, पहले भाड़ा निकालिए। ये लीजिए सर, 100 रुपए है सर, ये लीजिए। जाइए जी। थैंक यू पांडे जी। जी सर। वो तेरा नंबर वाला जा रहा है ना? जी। कब आ रहा है? 3 दिन बाद। करेक्ट, तब तक इसको जो है 13 नंबर में एडजस्ट कर, ठीक है? जी। चल भाई नंबर 13, तेरा चेकआउट टाइम हो गया, उतार दे वर्दी। और सतील लाल यादव भी वर्दी पहन ले। अरे मैं क्यों पहनूंगा ये वर्दी? अरे भाई सेल में अलाउड नहीं है ना बिना वर्दी के, इलीगल होता है। और तू बता भाई चेक इन कब करेगा? सब 3 दिन के बाद सर। ठीक है, मैं तो सुबह 10 बजे चेकआउट कर जाऊंगा। भगवान आपकी मुराद पूरी करे। क्या? कुछ नहीं, कुछ चाहिए क्या? नहीं मुझे सुबह बैटरी वगैरह मिल जाए तो अच्छा। हाँ वो तो पांडे जी देंगे ना एकदम गर्मा गर्म। अरे ये मार क्यों रहे हो? ये सेल में सोने का टाइम है। अरे तुम तो ऐसे मार रहे हो जैसे मैं कैदी हूँ। तो क्या है बे? अरे मैं कैदी थोड़ा ही हूँ। तू क्या जेलर है? मार रहे हो? अरे जेलर नहीं हूँ, पर मैंने तो ये भाड़े पे लिया है ना, तुम्हारे सामने तो लिया था भाई। 10 बजे का चेकआउट टाइम है, 5 बजे उठा रहे हो यार, सोने दो। ठीक है। अच्छा ना अच्छा, एक बैटरी ले आना यार। साले बेड है नहीं, टी की बात कर रहा है। कहाँ ले जा रहे हो? चक्की पीसने। क्यों? आटा ठीक से पीसना, मेरे इनको बारीक आटे की रोटी पसंद है। अरे पर मेरा तो चेकआउट का टाइम हो रहा है ना भाई, मैं तो अपने भाई से मिलने के लिए आया था, मैं कोई मुजरिम थोड़ा ही हूँ। हाँ हाँ सभी यही कहते हैं, आटा पीसने के बाद चटनी पीसना। मैं नहीं पीसूंगा चटनी। क्या बोला? नहीं पीसेगा। अरे पर मार क्यों रहे हो? मेरा कसूर क्या है? मुझे यहाँ जेल में बंद क्यों रखा है? जवाब दो। ये जेलर साहब बताएंगे। अरे जेलर साहब क्या बताएंगे? अरे पब्लिक को परेशान कर रहे हो तुम लोग, 3 दिन से यहाँ मुझे बंद करके रखा हुआ है। कोई है? अरे कोई है जो मेरी मदद करेगा? कोई है जो मुझे इंसाफ दिलाएगा? कोई है? फिर तेज बोलता है, बनाओ मुर्गी। मैं पूछना चाह रहा था। अरे राजा इतना धीरे बोलो तो कैसे सुनाई देगा? मैं पूछना फिर तेज बोलता है, बनाओ मुर्गी। अरे कभी कहते तेज बोलो, कभी कहते ऐसा बोलो, भाई कैसे बोलूं मैं? यही तो बोलना जरूरी है क्या? पर मुझे जेल में बंद क्यों कर रखा है? हां ये अदालत में बताएंगे। अदालत में? पर मुझे अदालत क्यों ले जाओगे? ये भी अदालत में बताएंगे। लेकिन देखिए देखिए देखिए, पिछले 5 दिन से आपने मुझे यहाँ जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है, मेरा जुर्म क्या है? मैं तो यहाँ पे अपने भाई से मिलने के लिए आया था। पकड़ो इसे। छोड़ो, देखो देखो मेरी बात सुनो, बात सुनो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, बढ़िया साहब आप ही शरीफ आदमी हूँ, आप इनको बोलो देखो ऐसे मुझे पकड़ो मत, ऐसे मत बोलो, छोड़ो। बेटा गिनती कम करवाएगा, हमें नौकरी से निकलवाएगा, बंद कर दो इसे, इसका जुर्म यह है कि ये जेल से भाग रहा था। पूछ रहा था ना कि क्यों बंद कर रखा है? जेल से भागने के जुर्म में। पर मैं था कब जेल में जो भागूंगा? जेल में भाग कहां से रहे थे? जेल से। लो खुद ही जुर्म कबूल कर लिया। नहीं पर मैं तो जेल के अंदर बाहर से आया था ना। सभी बाहर से आते हैं, अब चल अंदर। 3 साल के लिए। क्या पहले ही बोला था 1-2 हफ्ता रुक जा, 13 नंबर का कैदी आ जाएगा तो छोड़ देंगे तुझे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। देखिए देखिए देखिए, मैं तो यहाँ अपने भाई इमरती से मिलने के लिए आया था। अरे इमरती तू? अरे मुसद्दी तुम? ये अब आपसे मिलने आया करेंगे। क्या? हाँ इसकी बेल हो गई है। और मुझे जेल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।